हिसार विधानसभा सीट से दो बार की विधायक और इस बार निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हिसार विधानसभा सीट से सावित्री जिंदल, जिनको देश की सबसे अमीर महिला भी कहा जाता है। मैम, ये जो तमगा आपको दिया जाता है कि देश की सबसे अमीर महिला चुनाव लड़ रही है, इस तमगे को कैसे देखते हैं? तमगा तो जरूर मिला हुआ है, क्योंकि देखिए जिंदल साहब ने बहुत मेहनत की, फिर उसके बाद मेरे बेटे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तो मिला हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने का उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव में अपने हिसार की जिस तरह से हिसार पर की सेवा करने के लिए और चुनाव में उतरी हूँ। कितनी आश्वस्त हैं अपने चुनाव को लेकर के, क्योंकि दो बार आप इस सीट से विधायक रह चुकी हैं, हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं? देखिए, क्योंकि मैं अपने हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ, तो पूरी आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरा हिसार परिवार पूरा चुनाव प्रचार में पहले पूरा लगा हुआ था और अब भी बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन किसी पार्टी की बैकिंग नहीं है, ऐसा कहा जा रहा था कि आप बीजेपी से टिकट चाह रही थी लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय पर्चा भरा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है, तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी से टिकट, मेरा हिसार परिवार है, बीजेपी से या टिकट चाह रही थी आप, क्या उनसे बातचीत हुई थी? नहीं, ऐसी मेरी कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। बेटे के लिए कोई ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती, क्योंकि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, मैंने उनका भी चुनाव कवर किया था लोकसभा, वो बीजेपी से सांसद हैं, आप निर्दलीय चुनाव भर रही हैं, पार्टी की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें अपने बीजेपी के लिए प्रचार करना होता है, तो क्या कोई घर में कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए उनको जो पार्टी आदेश देगी वो पार्टी से बंधे हुए हैं, उनको जो पार्टी आदेश देगी वो अपना काम करेंगे और यहाँ पर मेरी सारा परिवार मेरा काम कर रहा है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, हम सब मिल के अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर हिसार में। आपको क्या लगता है कि आपके निर्दलीय चुनाव में उतर जाने से बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मुझे देखिए इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मेरे हिसार परिवार के कहने से मैं चुनाव में उतरी थी और हिसार परिवार ही मेरा चुनाव लड़ रहा है, और जीतने के बाद मैं अपने हिसार के काम करूँगी, जनसेवा करूंगी। कुमारी शैलजा से अभी हमने बात करी, मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है हरियाणा में, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए? हाँ, कुछ भी पॉसिबल है, मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है, क्योंकि अब महिला आबादी, आधी आबादी या हक हो की बात होती है, तो इट्स लॉन्ग टाइम की हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री। बिल्कुल जी, हो सकती है, क्योंकि आधी आबादी है तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में आप बड़ी टाइम तक रही थी, इसलिए मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके संबंध हुड्डा से भी हैं और कुमारी शैलजा को भी आप बेहतर तरीके से जानती हैं, इन दोनों के बीच में जो खटपट हुई, इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं तो खटपट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे संबंध दोनों से बहुत अच्छे हैं, शैलजा जी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारी हिसार की बेटी हैं, मेरे लिए बेटी जैसी हैं, हुड्डा जी मेरे लिए मेरे भाई जैसे हैं, तो मेरे संबंध दोनों से अच्छे हैं, तो मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी, सिर्फ यही कहूँगी कि दोनों बहुत अच्छे हैं और इसके हरियाणा के लिए जो भी आएंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा से मिलके काम करेंगे सब। एक आखिरी सवाल है मेरा बस, कि क्या बीजेपी से इस चुनाव को लेकर के आपकी कुछ बातचीत हुई थी, किस माहौल में, किन हालातों में आपको निर्दलीय चुनाव या निर्दलीय पर्चा भरना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन अब की बार मेरे सार परिवार ने कहा कि चुनाव जरूर लड़ना है, बीजेपी के प्रत्याशी जो कमल गुप्ता जी हैं उनको टिकट मिल गई थी, इधर कांग्रेस के जो हैं उनको मिल गई थी, तो मेरे हिसार परिवार ने कहा कि चुनाव छोड़ना नहीं है, चुनाव जरूर लड़ना ही लड़ना है, अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं अपने हिसार परिवार के कहने पर चुनाव में आ गई और मेरा जो चुनाव है मेरा हिसार परिवार ही लड़ रहा है। वोट काटने वाली कैंडिडेट बन जाएंगी या फिर जीत करके भी आएंगी, क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल जीत कर आऊँगी, आप देख लीजिएगा, 8 वोट डल रहे हैं, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब आप बात कीजिएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं सावित्री जिंदल, जो कि जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है, हालांकि इनके बेटे नवीन जिंदल जो है वो बगल की सीट कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन दो बार की विधायक भी रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इस बार उन सावित्री जी ने जो है वो निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, हिसार, हरियाणा। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? Sarkar banegi to 36 baradriyon ki sarkar banegi. Ram Ram! Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. Haryana mein
मौजूद है हम इस वक्त। गेट टू नो द ग्राउंड रियालिटी ऑफ द हरियाणा इलेक्शंस 2024 विद रियल टाइम अपडेट्स इन योर लैंग्वेज एंड योर प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म ओनली ऑन एबीपी लाइव इलेक्शन सेंटर। सही इन्फॉर्मेशन हर इलेक्शन।